तीसरे चैप्टर में आप सभी मेरे साथ पहला चैप्टर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो व्यवस्थित रूप से आपने पढ़ लिया होगा। दूसरे चैप्टर पे अपन मूव करते हैं। दूसरा चैप्टर बड़ा इजी, आप कैजुअल बन के चलो, विज्ञान की दुनिया बहुत सरल है, या तो स्वयं प्रयास करो या मेरे ऊपर विश्वास करो। 101% बहुत इजी है, पर होता क्या है कि अपन भी समझते हैं। हाँ अच्छा, मेंटेलिटी को सुधार करते हैं, दूसरा चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है अमूल शार्प लर्नर। देखिए जो ये प्रश्न बना रखे हैं, ये प्रश्न ऐसा मैं छोड़ नहीं दे रहा हूँ, यही प्रश्न आएंगे, पर डेफिनेटली आपको रेफरेंस देंगे या आपकी सहायता करेंगे एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आने के लिए, क्योंकि अंतिम क्षण चल रहे हैं तो यह देखने में कितनी तैयारी कर लेंगे, इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अम्ल क्षार, तो अम्ल और क्षार के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहले पता होगा कि सभी को अम्ल क्या होता है, तो अपने पास जो बेसिक थ्योरी है जिसके पास H+ आयन होते हैं वो अम्ल होता है, जिसके पास OH आयन रिप्रेजेंटेशन में होते हैं वो क्षार होता है, और जब H और OH दोनों अपने बेसिक नेचर खो देते हैं, अपने गुण खो देते हैं, तो ये दोनों किसमें बदल जाते हैं, ये दोनों सॉल्ट में लवण में बदल जाते हैं, ये परिभाषा है। तो बड़ा इजी है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। पहला प्रश्न क्लियर करते हैं थोड़ा स्पीड के साथ। अपन बोल रहे हैं अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, बड़ा इजी। अम्ल अम्ल कोई भी ले लो, जैसे मैंने HCl ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने HCl लिया, इस HCl की रिएक्शन में किसके साथ में करा रहा हूं, कोई भी धातु, जैसे मैंने Zn ले लिया, Zn भी एक धातु, अगर मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं अम्ल की, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहली बात तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रख लो, Zn जो है इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, मतलब ये रिएक्शन तभी करवाएगा जब क्लोरीन कितने हो, 2 हो, तो यहाँ पर HCl आपको कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। रीजन बड़ा क्लियर है, इसके ऊपर +2 चार्ज, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, इसलिए अपन को Cl कितने लेना पड़े, 2 लेना पड़े। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, 2 Cl और Zn बाहर निकल जाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ZnCl2 सॉल्ट है और ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ये आपका मेटल है, धातु है, और ये आपका एसिड है। तो थ्योरी बनाना बहुत आसान है, बच्चों ध्यान रखना, जब भी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। मैडम बिठा लो, ये एग्जांपल अच्छे से याद कर लो, बड़ा इजी सा कांसेप्ट, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न एक और आया, उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने अपनी स्टार्टिंग में बताया था, अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया होती है, तो एक अम्ल ले लो, अम्ल आपने ले लिया HCl, इसकी रिएक्शन आपने करा दी क्षार के साथ, फेमस क्षार आपने ले लिया NaOH, बड़ा इजी सा कांसेप्ट है, HCl की रिएक्शन हो गई NaOH के साथ, ध्यान से समझो, HCl एसिड है, NaOH आपका बेस है, क्षार, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो NaCl बाहर निकल जाता है, NaCl बाहर निकल जाता है, क्या बचता है, NaCl बाहर निकला तो यहां से एक H और यहां से OH, ये H अम्ल को रिप्रेजेंट करता है, OH क्षार को रिप्रेजेंट करता है, दोनों अलग हो गए आपस में मिल गए तो क्या बनेगा, H2O। तो ये चीज भी ध्यान से समझ लो, जब एसिड की रिएक्शन अम्ल की रिएक्शन बेस यानी क्षार के साथ होती है तो लवण यानी सॉल्ट बनता है, प्लस एक जल का अणु बाहर निकलता है, इस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल है, माइंड में बिठा लो, व्यवस्थित रूप से एग्जाम में लिख दो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीएच स्केल बनाते हुए पीएच का विभिन्न मान लिखो। अब थोड़ा सा पीएच स्केल बना देते हैं, बच्चों ध्यान से देखना, पीएच स्केल का क्या मतलब होता है, देखो पीएच स्केल एसिड और बेस को रिप्रेजेंट करती है, बच्चों ये एक प्रकार की स्केल है जो मैंने बना ली, यहां पर मैं 0 से स्टार्टिंग दूंगा, यहां पर 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 5 6 या 7 या 8 या 9 या 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 13 एंड 14 या आपके 14 अंक मैंने नोट कर दिए, बीचों बीच में एक पॉइंट बना लो, ये होता है उदासीन न्यूट्रल, इस न्यूट्रल के इस तरह
ये आपकी पीएच स्केल है। कौन सी स्केल है? पीएच स्केल। क्लियर सभी के? तो आसानी से पीएच स्केल आप बता सकते हो। कोई प्रश्न आपसे पूछ ले, यानी किसी यौगिक का या फिर कोई आपको लिक्विड दिया है या फिर कोई पदार्थ दिया है, पूछा इसका पीएच 4 है, क्या ये अम्ल होगा या क्षार होगा, बहुत इजीली बोल देना ये अम्ल होगा। किसी का पीएच 8 है, कोई पूछ ले ये अम्ल होगा क्षार होगा, आप इजीली बोल देना ये क्षार होगा। किसी का पीएच 7 है, आप इजीली बोल देना ये उदासीन होगा। क्लियर सभी के? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कुछ एग्जाम्पल है जिनका पीएच आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल है, देखो बच्चों ध्यान से, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। कौन सा एग्जाम्पल है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये एंड एसिड का एग्जाम्पल है, प्रति अम्ल का एग्जाम्पल है। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है, प्रति अम्ल का उदाहरण दीजिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच होता है वो होता है 10। कितना होता है? 10 पीएच होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, नींबू का पीएच कितना होता है? प्रश्न है जैसे आपको क्या दिया हुआ, नींबू के रस का पीएच बताओ, लेमन जूस का पीएच। तो लेमन जूस का अगर आप पीएच की बात करोगे लगभग 2 से 2.5 के समथिंग लेमन जूस का पीएच होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन का पीएच कितना होता है, मतलब NaOH का पीएच कितना होता है? NaOH, NaOH का पीएच बच्चों 14 होता है। कितना होता है? 14। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक और मेरी तरफ से बता देता हूँ, वॉटर का पीएच कितना होता है? वॉटर का पीएच होता है जो 7। इस तरीके से थोड़ा सा आपको अच्छे से ये 3-4-5 एग्जाम्पल कुछ अपनी तरफ से भी याद कर लेना, बुक में दिए हुए। तो ये पीएच एग्जाम्पल आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। इसी प्रकार से चींटी के डंक में और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, संतरे में ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में क्या पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इसी तरीके से बात करते हैं, चींटी आपको डंक मार लेती तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है, चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। ध्यान से समझ लो, जब भी कोई जानवर आपके डंक मारता है आपको जलन होती, उसका रीजन है एसिड। वो आपके शरीर में एक एसिड छोड़ता है, उस एसिड की वजह से जलन होती और सूजन आ जाती है। हमारी सूजन तो एकाएक जाती है, पर अगर जलन हो रही होती तो वहां पर हम बेस का लेप लगाते हैं या तो कोई क्रीम लगाते हैं या कोई दवाई खाते हैं, तो उसमें क्षार होता है, तो क्षार उस अम्ल को न्यूट्रल कर देता है। ये प्रक्रिया होती है जब भी कोई जानवर अपने डंक मारता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद पीएच पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको क्लियर होना चाहिए। पीएच स्केल पर, पीएच के महत्व पर तो अपन बात करते हैं, दंतशय ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किसे कहते हैं दंतशय? थोड़ा सा ध्यान समझ लो, हमारा जो दांत है, हमारे जो मुख है, हमारा जो मुंह है, उसका पीएच 5.5 से ज्यादा होता है बच्चों। कितना होता है? 5.5 से ज्यादा होता है, 5.5 से हमारा पीएच माउथ का, मुख का पीएच ज्यादा होता है। अब 5.5 से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कारणवश जैसे आप कुछ खाना खा रहे हैं या फिर आपने कुछ ऐसा खाया है कि मुख का पीएच यानी माउथ का पीएच क्या हो गया? कम हो गया। जैसे अपन कुछ भी खाना खाते हैं, एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और वो खाने के कुछ कण आपके दांतों में फंस जाते हैं, तो हमारे मुख का जो पीएच है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है? बढ़ता नहीं, घट जाता है, यानी पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपके दांत धीरे धीरे खराब होने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी टर्म ऑफ कंडीशन में उनको, उस दांत के शरीर को बचाने के लिए हमें बोला जाता है बराबर समय समय पर पेस्ट करना चाहिए। आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें क्षार होता है, वो क्षार उस अतिरिक्त अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और एक न्यूट्रलाइजेशन उदासीकरण अभिक्रिया कंप्लीट कर लेता है। इसलिए हमें दंत मंजन करना चाहिए अगर दांतों के क्षय को बचाना है, क्योंकि उस दंत मंजन में क्षार होता है और वो क्षार किससे अभिक्रिया कर जाता है? अम्ल के साथ। पर हमारे मुख का पीएच वापस 5.5 से बढ़ जाता है, ये प्रक्रिया होती है दंतशय की। इसके बाद बात करते हैं एक और आपका पॉइंट जो दे रखा है, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल भी इम्पोर्टेंट है। जब हम खाना खाते हैं, आपको सभी को पता होगा, आपके टॉपिक भी है जो अभी आपको बायोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे,
जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो क्या होता है कि भाई हमारे शरीर में अम्ल भी बनता है, आपको पता होगा, और क्षार भी बनता है। हम जब व्यवस्थित रूप से खाना खा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन वाली प्रोसेस में जा रहे हैं, जितना अम्ल बन रहा है उतना उतना हमारे शरीर में क्षार बनेगा। पर कभी अगर आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा बन गई और क्षार की मात्रा उस मात्रा के अनुरूप इतनी नहीं बन पाई, तो अम्ल बढ़ जाएगा और उसी अम्ल के बढ़ने की वजह से हमारे अम्लता की शिकायत हो जाएगी। उस अम्लता की शिकायत को दूर करने के लिए हमें प्रति अम्ल लेना पड़ता है। इसे इंग्लिश में एंट एसिड कहते हैं। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी एंट एसिड का एग्जांपल है। जब ये क्षार हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो उस अतिरिक्त अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करने के बाद वही उदासीकरण अभिक्रिया हो जाएगी और हमारी एसिडिटी की शिकायत खत्म हो जाएगी। तो ये जो प्रति अम्ल है शरीर में जाएगा और उस अतिरिक्त अम्ल को खत्म कर देगा, ये प्रति अम्ल होता है। इसके बाद एक और पॉइंट है आपके अम्ली वर्षा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक सामान्य वर्षा होती है, बादल जो होते हैं जैसे महासागरों से पानी वेपर द्वारा ऊपर जाता है, फिर बादल बनते हैं और फिर गणित के अनुसार बादल बरसते हैं, तो वह एक सामान्य पानी होता है। सामान्य पानी जब पृथ्वी पर गिरता है तो वह नॉर्मल वर्षा जो हम बोलते हैं, पर किसी कारणवश अगर उस पानी का पीएच वापस 5.5 से कम हो जाए, अप्रोक्स 5.5 से कम हो गया उस पानी का पीएच, जो कि पानी का पीएच हमने कितना बताया था 7, जो घटते घटते कितना आ गया 5.5 से कम हो गया, तो क्या होगा, तो हमारा जो पानी है वो दूषित हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और जब वो पानी पृथ्वी पर आएगा तो वो पृथ्वी पर आके अम्लीय वर्षा कहलाएगा। और जब ये पानी नदियों के अंदर जाएगा, जब ये पानी पेड़ पौधों के पास जाएगा तो पेड़ पौधों को भी नष्ट करेगा और जलीय जीवन जो होता है यानी पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर भी हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो ये होती अम्लीय वर्षा। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से माइंड में बिठाने दी, दंतक्षय, प्रति अम्ल और अम्लीय वर्षा। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है आपका, वो है व्यंजन चूर्ण। देखो आपको व्यंजन चूर्ण बनता है कैसे ये पता होना चाहिए पहली बात को, दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए इसकी उपयोग क्या है, और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला मोस्टली बच्चों को याद है, उन बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें फॉर्मूला अच्छे से याद है। देखो व्यंजन चूर्ण का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, व्यंजन चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2। इस फॉर्मूले को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। देखो ये कैसे बनता है थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं बोलता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH व्यंजन चूर्ण, ये बोनस वाले पॉइंट है ऐसा है। व्यंजन चूर्ण का फॉर्मूला याद कर लो, नंबर वैसे मिल जाएगा। फॉर्मूला CaOCl2 कैसे बनता है, फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप यूज भी ले सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किसके साथ में, इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहां से होगा कुछ नहीं, यहां से H2 बाहर निकल जाएगा और इस H2 के जगह पर Cl चला जाएगा। प्रोडक्ट आपका बनेगा CaOCl2 प्लस H2 CaOCl2 प्लस H2, ये आपकी रिएक्शन। इससे आप व्यंजन चूर्ण को बहुत आसानी से बना सकते हो। उपयोग याद कर लो, व्यंजन चूर्ण के बड़े आसान है। पहला दूसरा प्रयोगशाला के अंदर बोल देना, दूसरा बोल देना कि जल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये दो उपयोग आपको अच्छे से याद करने। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है जो आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है बड़ा ईजी होता है, NaHCO3। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, Na2CO3 इसका फॉर्मूला है। Na2CO3 फॉर्मूला आपका वॉशिंग सोडे का, तो एक बेकिंग पाउडर है और एक वॉशिंग सोडा। इस वॉशिंग सोडे का जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है, बच्चों आपने केक देखा होगा, केक स्पंजी होता है, स्पंज रूपी होता है, ब्रेड होता है, स्पंजी होता है। आपने कभी ये प्रश्न माइंड में उठाया होगा कैसे होता है, किस रीजन से होता है, तो उसमें बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। इस बेकिंग पाउडर की रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ में, अम्ल के साथ रिएक्शन करा देते हैं, HCl के साथ। तो देखो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये कार्बोनेट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, ये नियम है। CO2 बचा क्या, देखो यहां से तीन ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिख दो, दो ऑक्सीजन तो निकल गए, एक यहां हाइड्रोजन, एक यहां हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O वापस बाहर निकल गए,
दूसरा भोजन को स्वादिष्ट बनाने में भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बड़ा फेमस टॉपिक जिसका नाम है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रश्न पूछा जाता है भाई पीओपी कैसे बनता है, बड़ा आसान है, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, CaSO4 2H2, CaSO4 2H2। जब हम इसे गर्म करते हैं, जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल पानी के रिमूव हो जाते हैं, तो फॉर्मूला बनता है CaSO4 ½H2O, और इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल पानी के बाहर निकल जाएंगे, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये फॉर्मूला आपका किसका, POP का। तो प्रश्न पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताओ, तो बोलेंगे CaSO4 ½H2O कैसे बनता है, जिप्सम से बनता है, फॉर्मूला किसका, जिप्सम का फॉर्मूला। और कहां यूज होता है, तो मूर्तियां बनाने में यूज होता है, आपकी हड्डियां टूट जाती है तो हड्डियां जोड़ने में जो प्लास्टर चढ़ता है हाथ पे वो किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। ठीक है, सजावटी सामान बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रोसीजर है, देखो तीनों याद कर लेना बच्चों अच्छे से, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली और फ्री के नंबर मिलने वाले आपको 3 नंबर। ठीक है, तो यहां पर जाके अपना ये वाला टॉपिक अम्लशार वाला जो आपका चैप्टर है ये पूरा होता है, और इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या हो तो बेझिझक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर अपन चालू करें, उससे पहले इन दोनों चैप्टर का रिवीजन आप अच्छे से करें।